ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, फिर भी एसएस राजामौली की क्रेजी ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रिपल आर अपने ग्लोरियस कंटेंट के दम पर बिना लगाम के घोड़ी की तरह फुल पावर के साथ डोमिनेट कर रही है वर्ल्ड सिनेमा को और पूरे हॉलीवुड को हिलाने के बाद अब जापान में आइकॉनिक आरआरआर वो फर्स्ट मूवी बन चुकी है जिसने मॉन्स्टरस 1 बिलियन का इंसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। अब देखो ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कल्ट क्लासिक एसएस राजामौली की ट्रिपल आर पूरे वर्ल्ड को शेक करते हुए बड़े जायंट लेवल के माइलस्टोन अचीव किए हैं। फिर चाहे वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नाटू नाटू का जलवा हो या फिर डिफरेंट क्रिटिक्स अवार्ड्स में एसएस राजामौली और ट्रिपल आर को रिकॉग्नाइज करना और फकिंग ऑस्कर के नॉमिनेशन को कैसे भूल सकते हैं। आई मीन जिस मूवी को जेम्स कैमरॉन जैसा लेजेंड डायरेक्टर अप्रिशिएट करता है और पॉपुलर मार्वल के क्रिएटर्स भी जो अपने आप को रोक नहीं पाए ट्रिपल आर की क्रिएटिविटी के गुणगान गाने से, तो ऐसी क्या चीज रह गई थी जो मैग्नोफस ट्रिपल आर को इनकम्प्लीट बना रहा था। अब उसका सिंपल और ब्लडी स्वीट आंसर है द 1 बिलियन टैग। आई मीन फायरिंग ट्रिपल आर ने पूरे वर्ल्ड में कॉम्प्लीमेंट्स और अवार्ड्स तो बहुत कमाए पर किसी कंट्री के फकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके ये रिपोर्ट कभी नहीं आई कि एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रिपल आर ने 100-200 मिलियन का बिजनेस किया। पर फाइनली एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रिपल आर ने इस माइलस्टोन को भी अचीव कर लिया है और जापान में सुनामी लाते हुए वहाँ के बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन कमाने वाली फर्स्ट इंडियन मूवी बन गई। जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। द मास्टर स्टोरी टेलर एसएस राजामौली की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रिपल आर जापान में पिछले 122 डेज से जोर लगाते हुए पूरे फोर्स के साथ अल्टीमेट लेवल पर ड्रीम रन कर रही है और उसी का ही ये ग्लोरियस रिजल्ट है जो जापान में इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 1 बिलियन का हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। पर मजे की बात यह है कि इससे पहले के हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन मूवीज जापान में सुपरस्टार रजनीकांत की मुथु मूवी थी जो कि 1995 में रिलीज हुई थी और जापान में इस आइकॉनिक मूवी ने उस एरा में 400 मिलियन का मॉन्स्टरस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। पर जमाने के बाद से ट्रिपल आर ने इस आइकॉनिक मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्मैशी वे से जापान के बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन के गोल्डन नंबर को टच करते हुए क्योटिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब तुम कहोगे कि जापानीज येन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो कितना अमाउंट होगा, तो हार्ट को ब्रेक कर देने वाली बात ऐसी है कि अगर 1 बिलियन जापानीज येन को आज के डेट में इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करते हो तो वो अमाउंट ग्रेट इंडियन रुपीस के अंदर 61-62 करोड़ का बन जाता है। तो इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई बड़ा कलेक्शन नहीं है। पर इस चीज को दूसरे एंगल से देखा जाए तो जिस कंट्री के अंदर ट्रिपल आर ने 1 बिलियन कमाए हैं उनके लिए एक्चुअली में ये 1 बिलियन ही है जिसे यूज करके कोई भी जापानीज फिल्म मेकर बहुत ही तगड़े और क्वालिटी क्रिएटिविटी के साथ एक बैडस मूवी बना सकता है। तो अगर किसी चूतिया को ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी बिग अचीवमेंट हो गई, किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के नेम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सामने 1 बिलियन का आंकड़ा जब लग जाता है उस माइलस्टोन को अचीव करना किसी भी कंट्री के अंदर लिटरली फकिंग ऑस्कर मिलने से भी ज्यादा है। और जितनी स्पीड के साथ एसएस राजामौली की ट्रिपल आर जापान के बॉक्स ऑफिस पे क्योटिक कलेक्शन कर रही है उसे देख के ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि ये गाड़ी रुकने वाली है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एसएस राजामौली की ट्रिपल आर ने वो सब कुछ अचीव किया है जो एक मास्टरपीस मूवी को करना चाहिए, पर वर्ल्ड सिनेमा के अंदर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट ग्लोबली होने वाली मूवी के पास बस एक ही चीज की कमी थी, 1 बिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गोल्डन टैग जो फाइनली ब्लॉकबस्टर ट्रिपल आर को मिल चुका है। और उसका डैम रीजन है द क्रेज ऑफ ट्रिपल आर जिसका 122 दिनों से जापानीज ऑडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है। तो इसी बात पे जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।